Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. फाइटर जेट का डिजाइन बनाना। बचपन में रामेश्वरम में मैं और मेरे दोस्त विद्यालय से पैदल घर वापस आया करते थे। हम रोज गांव के तालाब के किनारे कुछ देर रुकते। मेरे दोस्त तालाब की लहराती सतह पर कंकड़ फेंकने का अभ्यास करते और मैं बैठा सारसों और समुद्री पक्षियों को आकाश में उड़ान भरते देखता। उनकी उड़ान देखते हुए मैं भविष्य के सपनों में खो जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। मेरी समझ में आ गया था कि अपने सपने सच करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी अध्ययन के लिए दक्षिण भारत में सबसे अच्छा संस्थान था। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके स्कॉलरशिप हासिल की ताकि मैं इस संस्थान में पढ़ सकूं। उस दिन मुझे अपना लक्ष्य और भी साफ दिखाई देने लगा जब मैंने MIT में कदम रखा। MIT के परिसर में दो बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकी छात्रों के छात्रावास में चले जाने के काफी देर बाद तक भी मैं विमानों के पास बैठा रहता था। इनके निर्माण और डिजाइन ने मेरा मन मोह लिया था और मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे कक्षा के चार और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। हमने काम आपस में बांट लिया। एक दिन मेरे काम की प्रगति की जानकारी लेने के बाद हमारे अध्यापक ने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं तुम्हारी कार्य योजना से सचमुच निराश हुआ हूं। मैंने तुमसे कहीं बेहतर काम की अपेक्षा की थी। मैंने उन्हें कई कारण बताए लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आखिर मैंने विनती की, सर मुझे एक महीने का समय दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर डिजाइन बना लूंगा। उन्होंने मुझ पर नजर डाली और बोले, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं। अगर सोमवार की सुबह तुमने मुझे इससे बेहतर डिजाइन न दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा भविष्य, मेरे सपने स्कॉलरशिप पर टिके थे। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास डट कर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने पलक तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस घंटे भर आराम किया, जरा सा कुछ मुंह में डाला और फिर काम में जुट गया। रविवार की सुबह मैं काम खत्म कर ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो पाया मेरे अध्यापक मेरी ड्राइंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मेरे काम को अच्छी तरह जांचने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। अध्यापक जी की बात सुनकर मुझे इतनी राहत और खुशी मिली कि मैं भूल ही गया था कि पिछले 3 दिनों में मैं खाना सोना सब भुलाकर काम में जुटा रहा था। न सिर्फ मेरी स्कॉलरशिप जारी रही बल्कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा भी मैंने बहुत अच्छे अंकों से पास की। मैं विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्ष्य पाने में सफल रहा था और अब
विमान उड़ाने के अपने सपने के भी बहुत करीब आ गया था। मैं सोचकर ही उल्लास से भर उठता था कि बचपन में देखे समुद्री पक्षियों की तरह मैं भी जल्द ही आकाश में उड़ान भर पाऊंगा। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.